सुनिएगा सर, एक कविता भी बहुत लेटेस्ट लिखी है, सोच रहा हूँ आपको सुना दूँ। 5 साल से इसको मैं लेटेस्ट ही कह रहा हूँ। 5 साल पहले लिखी थी मगर अभी भी लेटेस्ट है, क्योंकि कल भी हम पकड़े गए थे चौराहे पे, तो इसीलिए वो चलिए सुनाता था। जोरदार ताली बजा दीजिए, कविता आ रही आपके सामने। अच्छा, हमारी एक भाभी जी यहाँ बैठी हैं, बहुत देर से सास लोग चक्कर में फंसी थी, तो हमने कहने की ये वाली कविता जो सुना था, एक मिनट की कविता, उसके बाद आपकी फरमाइश मुकुल भैया। कि सास जब बहु थी बिल्कुल गऊ थी, सास जब बहु थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। सास जब बहु थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। आज उसकी बहु है बिल्कुल गऊ है, पर उदास है क्योंकि पहले वाली बहु अब सास है। इस सभ्य समाज में सास बनते ही हर बहु पर पावर सवार हो जाती है, इसलिए ससुरे के हंगल और सास ललता पवार हो जाती है। अब वो कविता जो आपकी फरमाइश से वो सुना देता हूँ। कि आजकल हर चौराहे चौराहे पर वाहन चेकिंग का बोलबाला है, उन गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिनका रंग लाल या काला है। हमारे पुलिस वाले भाई साहब है, थोड़ा अंदर आ जाइए, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। अकेला हिंदुस्तान का कवि हूँ जो पुलिस वालों के फेवर में बोलता हूँ, क्योंकि अपराधी और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते मूरख होते हैं। ऐसे ताली बजती है, ऐसे बजती है। अपराधी और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते मूरख होते हैं। इन दोनों के मध्य में जब कोई करार हो जाता है, तब अपराधी पुलिस थाना चौकी कचहरी कहीं से भी फरार हो जाता है। और आजकल अपराधी और पुलिस मुठभेड़ अब आम है, अपराधी और पुलिस मुठभेड़ अब आम है। यूं समझिए आम के आम गुठलियों के भी दाम है। बदमाश भी रिश्ता खूब निभाता है, बदमाश भी रिश्ता खूब निभाता है। जब तक जिया तब तक दिया, जब तक जिया तब तक दिया, बाद में भी निभा देता है। 2500 नगद और कांधे पर स्टार गिरा देता है। अब वो कविता सुनाने जा रहा हूँ जो वहां से शुरू की थी। सुनिएगा सर, कि आजकल हर चौराहे चौराहे पर वाहन चेकिंग का बोलबाला है, उन गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिनका रंग लाल या काला है। कभी कभी छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती है जो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती है। कभी कभी छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती है जो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती है। इसी क्रम में एक दिन मैं भी रोका गया, मुंशी पुलिया जा रहा था, टेढ़ी पुलिया पे टोका गया। इसी क्रम में एक दिन मैं भी रोका गया, मुंशी पुलिया जा रहा था, टेढ़ी पुलिया पे टोका गया। गाड़ी इधर लगाइए, बुलेट पे दरोगा जी बैठे हैं, कागज उधर दिखाइए। ऐसे होता ना, गाड़ी इधर लगाइए, बुलेट पर दरोगा जी के बैठे हैं, कागज उधर दिखाइए। इतना सुनते ही मैंने सिपाही की तरफ 50 का नोट बढ़ाया, इतना सुनते ही मैंने सिपाही की तरफ 50 का नोट बढ़ाया। सिपाही मुझे देख के मुस्कुराया, बोला शकल पे ना जाए तो आदमी समझदार लगते हैं। शकल पे ना जाए तो आदमी समझदार लगते हो, लगता है कागज नहीं रखते। मैंने कहा रखता तो हूँ, मैंने कहा रखता तो हूँ, पर दिखाने का फायदा नजर नहीं आ रहा है। मैं तुझे जानता हूँ, तू ही नहीं पहचान पा रहा है। उस दिन कागज दिखाया था, एक दिन पहले ही रोड टैक्स इंश्योरेंस का पूरा पैसा चुकाया था, लेकिन तूने मुझे प्रदूषण वाले कागज में फंसा कर मुझसे 100 का नोट दिया था। उस दिन कागज दिखाया था, एक दिन पहले ही रोड टैक्स इंश्योरेंस का पूरा पैसा चुकाया था, लेकिन तूने मुझे प्रदूषण वाले कागज में फंसा कर मुझसे 100 का नोट हथियाया था। सच कहता हूँ बहुत खला था, हाथ तो टेढ़ी पुलिया पर फंसा हूँ, उस दिन तो कपूर तला था। हाथ तो टेढ़ी पुलिया पर फंसा हूँ, उस दिन तो कपूर तला था। जहाँ पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टंगा था, जहाँ पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टंगा था, आजादी के 50 साल का सहारा वाला चक्का घूम रहा था और मेरी मेहनत की कमाई का 100 का नोट तू झूम रहा था। ताली में मजा नहीं आया अभी।
जहाँ पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टगा था, आजादी के 50 साल का सहारा वाला चक्का घूम रहा था और मेरी मेहनत की कमाई का सौकान तू चूम रहा था। सच कहता हूँ, कागज दिखाने का फल कई बार भोग चुका हूँ, अपनी ईमानदारी सच्चाई का मत्था ठोक चुका हूँ। हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है, कागज हो या ना हो हमें हर हाल में मोड़ा जाता है। इसलिए अब आपके मतलब की बात आ रही है, इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोड टेस्ट तक नहीं जमा करता। इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोड टेस्ट तक नहीं जमा करता, 50 का नोट ऊपर रखता हूँ, आजाद देश में आजादी से चलता। इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोड टेस्ट तक नहीं जमा करता, 50 का नोट ऊपर रखता हूँ, आजाद देश में आजादी से चलता हूँ। इतना सुनते ही सिपाही गंभीर हो गया। मित्रों, एक कविता का एक सिक्का था, देखिए दूसरा सिक्का आ रहा है। अब आप लोगों से तालियां चाहूंगा भाई, अपने पुलिस वाले भाइयों से। इतना सुनते ही सिपाही गंभीर हो गया, बोला तुम ठीक कहते हो पर क्या हमारी मजबूरी भी समझते हो, तुम ठीक कहते हो पर क्या हमारी मजबूरी भी समझते हो। अरे भर्ती होते ही हमारी ईमानदारी सदाचारी जमा करा ली जाती है, भर्ती होते ही हमारी ईमानदारी सदाचारी जमा करा ली जाती है, करुणा दया इंसानियत छीन कर हैवानियत भर दी जाती है, आत्मा मार दी जाती है। तुम क्या समझते हो फर्जी मुठभेड़ ऐसे ही हो जाती है, तुम क्या समझते हो फर्जी मुठभेड़ ऐसे ही हो जाती है। अरे आत्मा से लड़ना पड़ता है, बदमाश तो बाद में मरता है, पहले खुद मरना पड़ता है। आत्मा से लड़ना पड़ता है, बदमाश तो बाद में मरता है, पहले खुद मरना पड़ता है। और फिर उंगली टेढ़ी कर चौराहे चौराहे पर घी निकालने के लिए छोड़ दिया जाता है, फर्ज की वर्दी पहनाकर भ्रष्टाचार के बाजार में झोंक दिया जाता है, जहां पर हर चीज बिकती है। मित्र, नौकरी के बदले गरीब के गुर्दे का सौदा करने वाले सब समाज में सिपाही की नौकरी मुफ्त नहीं मिलती है, थाने चौकी तक खरीदे और बेचे जाते हैं, थाने चौकी तक खरीदे और बेचे जाते हैं, जो नहीं खरीद पाते वो दूर दराज के गांव में फेंके जाते हैं। अब आप ही बताइए 350 रुपए महीने के वाहन भत्ते पर भला कौन दरोगा कितना गश्त लगा पाएगा, ये तो कोई भी उल्लू का पट्टा समझ जाएगा। हमारे मुकुल भाई ने कहा, तुमने जो उल्लू का पट्टा कहा है ना, ये थोड़ा तो साहित्यिक नहीं है। हमने कहा, जो पुलिस वाले ने मुझसे कहा था वो तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो बहुत संभाल के कहा है, इससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए, 350 रुपए महीने के वाहन भत्ते पर भला कौन दरोगा कितना गश्त लगा पाएगा, ये तो कोई भी भला आदमी समझ जाएगा। पर हमारी सरकार नहीं सोच पा रही है, 8 घंटे के पगार पर 24 घंटे दौड़ाने वाली व्यवस्था आजादी के 50 साल बाद भी अंग्रेजों का बनाया पुलिस मैनुअल चला रही है। मित्र, जिस दिन व्यवस्था बदल जाएगी, हमारी हालत सुधर जाएगी, तब हम भी बदल जाएंगे, तब मैं पैसा कमाने का बहाना नहीं कागज देखूंगा। आज 50 करोड़ अंदर कर रहा हूँ, उस दिन झंझटी जी तुम्हें अंदर कर दूंगा। जय जय भारत।